नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है डिजिटाइज्ड प्रिंटिंग, जिसमें हमने आज मेरा पांचवा टॉपिक था डाइंग एंड प्रिंटिंग क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, बटीक, रोलर, स्क्रीन, डिस्चार्ज, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग, इन सब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक बचा था डिजिटाइज्ड प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। जिसे डिजिटाइज प्रिंटिंग या डिजिटल प्रिंटिंग बोलते हैं, इसके प्रोसेस की बात करें तो डिजिटल प्रिंटिंग और पारंपरिक तरीकों जैसी लिथोग्राफी, फ्लेक्सोग्राफी, ग्रेवियर या नेटर प्रेस के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि डिजिटल प्रिंटिंग में प्रिंटिंग प्लेटों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि एनालॉग प्रिंटिंग में प्लेटों को बार बार बदला जाता है। यह डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग करते समय तेज मोड़, समय और कम लागत में परिणाम हो देता है। लेकिन आमतौर पर अधिकांश वाणिज्यिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रियाओं द्वारा कुछ फाइन ईमेल डिटेल का नुकसान होता है। सबसे लोकप्रिय तरीकों में इंकजेट या लेजर प्रिंटिंग शामिल है, जो कागज, फोटो पेपर, कैनवास, ग्लॉस, धातु, संगमरमर और अन्य पदार्थों सहित कई प्रकार के सबस्ट्रेट पर वर्णक या टोनर जमा करते हैं। कई प्रक्रियाओं में स्याही या टोनर सबस्ट्रेट की अनुमति नहीं होती है, जैसा कि पारंपरिक स्याही करता है, लेकिन सतह पर एक पतली परत बनाता है। जो गर्मी में प्रक्रिया के साथ एक फ्यूजर तरल पदार्थ का उपयोग करके सब्सट्रेट का पालन कर सकता है। अब है डिजिटल प्रिंटिंग के तरीके। फाइन आर्ट इंकजेट प्रिंटिंग ये है, इस और लेजर प्रिंटिंग, ये सारे आ जाएंगे। तो इनमें तरीके देख लेते हैं। फाइन आर्ट इंकजेट प्रिंटिंग में ललित कला, डिजिटल इंकजेट मुद्रण या प्रिंटिंग एक अंतिम आउटपुट के रूप में सीधे एक इंकजेट प्रिंटिंग के लिए एक कंप्यूटर छवि फाइल की छपाई कर रहा है। यह कोडक 3M और अन्य प्रमुख निर्माताओं से डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक से विकसित हुआ। शुरू में प्रोग्रामर डेविड पॉन्स द्वारा ललित कला प्रिंटिंग के लिए अनुकूलित किया गया था और 1991 में उनकी नैश एडिशन प्रिंटिंग कंपनी के ग्राहम नैश द्वारा ललित कला के लिए अपनाया गया था। फाइन आर्ट इंकजेट प्रिंटिंग मेकिंग में सब्सट्रेट जैसे मेटल और प्लास्टिक और फैब्रिक शामिल है। डिजिटल इंकजेट प्रिंटिंग सभी प्रकार के डिजिटल आर्ट पीस में एक तत्व के रूप में भी अनुमति देता है। प्रक्रिया के लिए कई शब्दों का उपयोग वर्षों से किया गया है, जिनमें डायग्राफ या ग्ली शामिल है। हजारों प्रिंट शॉप्स और डिजिटल प्रिंट मेकर्स अब दुनिया भर में चित्रकारों, फोटोग्राफरों और डिजिटल कलाकारों की को सेवाएं प्रदान करते हैं। अब दूसरी प्रिंटिंग आ जाती है डिजिटल लेजर एक्सपोजर। डिजिटल चित्र लेजरों के साथ सच, प्रकाश, संवेदनशील फोटोग्राफिक पेपर पर उजागर होते हैं और फोटोग्राफिक डेवलपर्स और पिक्चर्स में संसाधित होते हैं। ये प्रिंट सच्ची तस्वीरें हैं और छवि विस्तार में निरंतर स्वर है। डिजिटल प्रिंटिंग के पारंपरिक तरीकों पर कई फायदे हैं, जो कुछ अनुप्रयोगों में शामिल है। जो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं, किन किन में इनका यूज होता है, कौन कौन से प्रिंटिंग है। पहला है डेस्कटॉप प्रकाशन। सस्ते घर और कार्यालय मुद्रण केवल डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण ही संभव है, जो मुद्रण प्लेटों की आवश्यकताओं का बायपास करते हैं। फिर आ जाएगा वाणिज्यिक। व्यावसायिक स्टेशनरी, व्यवसाय कार्ड, लेटर हेड सहित इसके यूज होता है। परिवर्तनीय डेटा प्रिंटिंग,
मुद्रित सामग्री के बड़े पैमाने पर व्यक्तिकरण के लिए डेटाबेस चालित प्रिंट फाइलों का उपयोग करता है। ललित कला, इसमें एक रंजक आधारित स्याही का उपयोग करके पानी के रंग के कागज पर वास्तविक फोटो पेपर, एक्सपोजर प्रिंट और गिकली प्रिंट शामिल है। फिर आता है डिमांड पर प्रिंट। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग व्यक्तिगत मुद्रण के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों की पुस्तकों और पुस्तकों को बच्चे के नाम, फोटो बुक जैसे जैसे शादी की फ़ोटो, किताबें आदि, या किसी अन्य पुस्तकों के साथ अनुकूलित किया जाता है। फिर है विज्ञापन। अक्सर बाहरी बैनर विज्ञापन और इवेंट साइनर्स के लिए व्यापार शो में बिक्री के बिंदु पर और व्यक्तिगत पर्सनल पर प्रत्यक्ष अभियानों में उपयोग होता है। तस्वीरें, डिजिटल प्रिंटिंग के डिजिटल प्रिंटिंग ने मुद्रण से पहले एक तस्वीर को फिर से रंगने और रंगीन करने की क्षमता के मामले में फोटो प्रिंटिंग ने क्रांति ला दी है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन, नए मीडिया जो विभिन्न प्रकार की सतहों के अनुरूप होते हैं, इन्होंने आंतरिक और बाहरी दीवार भित्ति, आंतरिक और बाहरी स्थान को डिजिटल रूप से मुद्रित दीवार भित्ति चित्र और फ्लोर ग्राफिक्स का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। फिर आ रहा चिकना, पन्नी और होलोग्राफिक प्रभाव या यहाँ तक कि चमकदार और सुस्त खत्म करने की प्रक्रिया डिजिटल स्याही आसंजन के माध्यम से या एक समृद्ध काले क्षेत्र के डिजिटल रूप से प्रिंट करने के द्वारा किया जाता है। जहाँ आप चिकना करना चाहते हैं, मशीन इसे पंजीकृत करती है और केवल इस विशिष्ट क्षेत्र का पालन करती है। तो ये हमारी डिजिटल प्रिंटिंग हो गई कि किन किन में यूज होती है। जितनी भी जो आजकल सबसे ज़्यादा चलन में है डिजिटल प्रिंटिंग, कंप्यूटराइज्ड है, तो उससे किस तरह से प्रिंटिंग होती है, अलग अलग उसमें बताया गया, जो है फोटोग्राफिक में, विज्ञापन में, तो इस तरह से ललित कला हो गए, कई टाइप्स की हैं जो जिसमें इन सब चीज़ों का डिजिटल प्रिंटिंग का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हमारा ये डिजिटल प्रिंटिंग ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम छठा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।